वेलकम टू देव एकेडमी। तो हम लोग पढ़ेंगे 5 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले का क्वेश्चन का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले आप जाकर के वो क्वेश्चन देख लेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास फैक्टराइज करना है x³ + 13x² + 32x + 20। क्या लास्ट में हम लोग देखते हैं लास्ट में कौन सा नंबर है, 20। 20 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, फैक्टर ऑफ 20 क्या क्या हो सकता है, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फैक्टर ऑफ 20 और क्या क्या हो सकता है, +-1 +-2। कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है, +-1 से +-2 से, फिर +-3 से तो नहीं जाएगा, 4, फिर +-5 +-10 and +-20, इन सभी से डिवाइड होगा। तो बारी बारी से सभी हमको नंबर रख करके इस पॉलीनोमियल में चेक करना होता है कि कौन सा नंबर रखने से, x का वैल्यू ये सारा है, x का वैल्यू कौन सा नंबर रखने से ये पॉलीनोमियल हमारा जीरो बन जाएगा। तो थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड करें, अगर हम प्लस का वन रखेंगे तब तो जीरो ये तो कभी आएगा ही नहीं, ऐसा क्यों बोले हम, प्लस का वन रखेंगे तो सारा नंबर प्लस में है, ऐड होते तो बहुत आ जाएगा, मीन्स यहां से वन आ जाएगा, 1 + 13 14 + 32 46 + 20, ये हमारा 64 आ गया। यहाँ पर माइनस तो कहीं था ही नहीं, प्लस प्लस आप ऐड करने पर प्लस वाला ही नंबर तो आपको मिलेगा, आपको बड़ा नंबर मिल जाएगा। तो हम माइनस वन रख करके देखते हैं, अगर माइनस वन रखेंगे, अगर हम माइनस वन रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस वन, अगर रखेंगे तो 32 और 33 20 और 13 33, माइनस वन रखने से सेटिस्फाई कर जा रहा है। तो हम एक्स के प्लेस पर माइनस वन रखते हैं, एक्स के प्लेस पर माइनस वन रखते हैं, पी के प्लेस पर माइनस वन रखते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये पी एक्स दिया हुआ था हमारा, माइनस वन रखते हैं तो -1³ + 13 - 1² एक्स के प्लेस पर माइनस वन रख रहे हैं +32 एक्स के प्लेस पर -1 + 20। अब इसको सॉल्व करें, -1 का क्यूब -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही मिलेगा, प्लस यहाँ से आ जाएगा 13, -32 आ जाएगा यहाँ से, +20, ये क्या है हमारे पास, पहले प्लस वाले नंबर को ऐड करें, 20 + 30 33 और -1 और -32, -33 + 33 - 33 जीरो आ गया हमारा। जीरो किस पर आया, जब हम x के प्लेस पर क्या लिए थे, x के प्लेस पर -1 लिए थे, तो यहां से क्या आएगा, x + 1 = 0, मींस x + 1 इस गिवन पॉलीनोमियल का एक फैक्टर होगा, लिखेंगे देयरफॉर x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलीनोमियल, मींस गिवन px। अब ये हमारा फैक्टर हो गया, मींस इस वाले नंबर से इस वाले, इस फैक्टर से इस वाले पॉलीनोमियल को डिवाइड करेंगे। Now, x + 1 को गिवन पॉलीनोमियल क्या हमारे पास, x³ + 13x² + 32x + 20। अब आप इसको डिवाइड करें, डिवाइड करना तो मैं आपको बता चुका हूँ, अब क्या करना है, इस वाले को, ये हमारे पास फर्स्ट है x³ को इस वाले x से डिवाइड करें, x³ को x से एक x कट जाएगा, x² बच गया यहाँ पर। अब आप इस x² से मल्टीप्लाई करें, x² × x, x × x² क्या आएगा हमारे पास, x³ और 1 × x² क्या आएगा, 1x², साइन चेंज करें, प्लस है माइनस, ये कट गया, कैंसिल हो गया, प्लस का 13x² और माइनस का x², ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 13x² - x², ये आ जाएगा 12x² + 32x + 20। अब 12x² को x से डिवाइड करें, 12x² / x, ये x x कैंसिल हो गया, क्या बचा, 12x प्लस का 12x, 12x × x, 12x² 12x × 1, 12x, साइन चेंज करें, ये कैंसिल हो गया, 32x में से 12x करेंगे तो हमारे पास बचेगा 20x प्लस 20, और 20x को इस वाले x से डिवाइड करें, 20x / x, x कट गया, कितना आ गया, 20 + 20 × x, 20x और 20 × 1 20, साइन चेंज करें, ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया हमारे पास, फाइनल रिमाइंडर 0 आ गया, ये हमारा 0 आ गया। अब यहाँ पे करते हैं, हमारे पास क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, मींस दिस इज इक्वल टू, ये क्या हमारे पास, x³ + 13x² + 32x
प्लस 20 इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोसेंट, रिमाइंडर तो जीरो उसको नहीं भी लिखने चलेगा, डिवीजर इनटू कोसेंट। डिवीजर क्या हमारे पास x प्लस 1, कोसेंट है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12x प्लस 20। ये हमारा, अब आप इसको सॉल्व करें, x प्लस 1 ये तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आ गया, ये तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आ गया, क्या x स्क्वायर प्लस बीच स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इसको ब्रेक करें 12x को, मल्टीप्लाई करने पर 1 इनटू 20 20 आना चाहिए और ऐड करने पर 12 आना चाहिए, तो क्या आ रहा है 10x प्लस 2x, 10x प्लस 2x 12x और 10 टू जा 20, ये प्लस 20। यहां से क्या आ रहा है हमारे पास x प्लस 1, इन दोनों से कॉमन ले, x कॉमन आ रहा है, यहां पर x बचेगा, x प्लस 10 प्लस इन दोनों से 2 कॉमन आ रहा है, x प्लस 2 10 जा 20। यहां से क्या आ रहा है x प्लस 1 x प्लस 10 x प्लस 10 क्या आ गया x प्लस 10 और x प्लस 2 x प्लस 2, ये तीन फैक्टर आ गया और ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन थर्ड भी हो गया। तो इसका एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। मैं तीन क्वेश्चन तो सेम बता चुका हूँ, अब आप फोर क्वेश्चन आप अपने से ट्राई करें और मुझे कमेंट करें कि इस फोर क्वेश्चन का आंसर क्या है, और कमेंट करके जरूर बताएं ये आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको समझ आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।